हेलो एवरीवन, सो एज यू कैन सी हम लोग बाहर आए हैं और इसीलिए हम लोग आज एक नया कैमरा लेने वाले हैं। ऑफ कोर्स मेरे पास कैनन का 5D Mark IV है ऑलरेडी और बहुत सारे लेंसेज के साथ भी है, पर हम लोग खास एक नया कैमरा ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को किट में एक कैमरा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए हम लोग कैनन के शोरूम में आए हैं और यहाँ आके हम लोग नया कैमरा लेने वाले हैं। बट वेट अ मिनट, कौन सा कैमरा लेना चाहिए, कौन सा लेंस लेना चाहिए, क्या बेस्ट हो सकता है, गॉड ऐसे क्वेश्चंस मुझे भी होते हैं। आप जब मुझे पूछते हो ना तो मैं भी सोचती हूँ जब अपने लिए लेना होता है। तो इसीलिए इस व्लॉग के एंड में मैं आपको एग्जैक्ट टेक्निक दिखाने वाली हूँ कि आप कैसे राइट कैमरा अपने लिए ले सकते हो, कौन सा कैमरा, कौन सा लेंस आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ये जो व्लॉग ख़त्म होगा उसके बाद मैंने एक ट्यूटोरियल रखा है, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। पर फिलहाल अभी के लिए हम लोग खास ये देखने वाले हैं कि कैमरा परचेज कैसे करते हैं, जो आप लेने को जाते हो तब वो कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है। सो लेट्स बिगिन। और आपको इस वीडियो को पसंद करना चाहिए क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज पैसा उड़ने वाला है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे हम लोग को फॉलो कीजिएगा। हेलो, आई रिक्वायर USR जो कैनन का आपका है वो प्लीज़ मुझे दीजिए, और उसके साथ जो कन्वर्टर है वो भी चाहिए। सो फाइनली मेरा कैमरा आ गया, आई एम सो एक्साइटेड। सो एज आई मेंशन्ड कि 5D Mark IV है, पर मैंने ये कन्वर्टर लिया। एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे USR है। USR इसलिए था क्योंकि मेरे पास दो कैमरा चाहिए थे, मुझे एवरी वेडिंग में तीन कैमरा लगते हैं, तो दूसरा जो कैमरा का एंगल है वो खास मैंने इसके लिए USR लिया है। सो एज़ यू कैन सी हमारे पास ये नया कैमरा आ गया है, ठीक है, इट्स USR। आई एम सो एक्साइटेड, हम लोग नया कैमरा ले रहे हैं क्योंकि हर कोई भी चीज़ लेने के पहले इतना एक फोटोग्राफर को एक्साइटमेंट होता है, ये लेंगे वो लेंगे, अभी यहाँ पे इतना सारा चीज़ है ये भी सारा देखेंगे, इसमें से भी जो पसंद आएगा वो लेंगे। सो ओवरऑल जो भी आप डिसीजन लेते हो कैमरा के वक्त आपको बहुत ही माइंडफुली लेना है, क्योंकि अभी ये कैमरा 5 साल तो आराम से यूज़ कर लेंगे। अभी मेरे पास ऑलरेडी 5D Mark IV है, ये आप सब जानते हो। मैंने USR इसलिए लिया क्योंकि मिररलेस सेकेंड टेक्नोलॉजी है। बाय द वे मिररलेस और DSLR के बीच में क्या फ़र्क है ऑलरेडी एक वीडियो आ गया है, प्लीज़ चेक इट आउट। अभी यहाँ पे USR है। एज यू नो कि एवरी वेडिंग में हम लोग 2 या 3 एंगल लगाते हैं कैमरा का, फोटो के कैमरा का, इसीलिए ये पर सारे लेंसेज नए लेने पड़ते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे पास लेंसेज थे इसीलिए मैंने ये कन्वर्टर लिया। आप चाहो तो इसी के लेंसेज ले सकते हो, अगर आपके पास लेंसेज ना हो तो बेटर है कि आप R सीरीज़ के RF लेंसेज ही लो, पर अगर ना हो ऑलरेडी आपके पास अभी परचेस किए हुए लेंसेज हो तो वापस इतना सारा खर्चा करने से बेहतर है एक कन्वर्टर ले लो। डिपेंड करता है, जो RF सीरीज़ के लेंसेज है उसका तो ऑफकोर्स मैकेनिज्म और भी फास्ट है। सो यू हैव टू मेक अप अ वेरी वायबल डिसीजन कि आप किस हिसाब से कौन सा कुछ ले रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ों का खर्चा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी ये R ले रहे हैं और एक अडैप्टर ले रहे हो, और ये जो है आपका नाम विकास जो है अभी पूरा चेक करेंगे और सब कुछ हमको दिखाएंगे। सो यूजुअली जब भी आप सेंटर से लेते हो तो यहाँ पे सब कुछ चेक करने में आता है कि सब कुछ फंक्शनिंग है, बराबर है, उसके बाद आप लेके जाते हो। विकास अभी हम लोग को समझाएंगे, है ना विकास, आप yes. समझाओगे कि इसमें कौन सी सारी चीज़ें थी। वो रोज़ सबको समझाते हैं कि भाई ये कैमरा में ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें देख के लेके जानी होती है, ठीक है। तो आप बताइए क्या क्या है इसमें। अभी इसमें स्टार्टिंग में पहला मैनुअल बुक्स है, बैटरी चार्जर, बैटरी देखो उन्होंने एक बैटरी अलग से कैमरा वाले, ठीक है, यहाँ पे कंपनी वाले ने आपको और एक बैटरी परचेज करके रखना है, एक बैटरी के भरोसे आप नहीं रह सकते पूरे फंक्शन में, दूसरा बैटरी अभी हम लोग लेंगे। चार्जर है, चार्जर का कॉर्ड, USB केबल, USB केबल अलग दिया है क्योंकि लूज़ होता है तो ये उसके लिए बकल दिया हुआ है। अच्छा। तो उसमें शेक ना हो। USB केबल कहाँ पे यूज़ करना है? कैमरा डेटा ट्रांसफ़र। डेटा। ये वारंटी कार्ड है, 1+1 2 ईयर्स वारंटी, इसको ऑनलाइन रजिस्टर, 2 ईयर्स का वारंटी है, इसको रजिस्टर कर लाए ऑनलाइन, इनवॉइस मिलेगा तो उसके बाद आप कर सकते हो। कैमरा स्ट्रैप और ये कैमरा,
ये कैमरा हाँ काफ़ी पतला है अगर डी एस एल आर के सामने देखो बहुत पतला पतला लगता है और ये कन्वर्ट हाँ ये ओपन था। सो फाइनली वी हैव आर ठीक है कैनन का मिररलेस लिया है और इसका अभी हम लोग कन्वर्टर ले रहे हैं। कन्वर्टर बहुत लोग लेते हैं कि नहीं लेते? बहुत लोग लेते हैं, यही कारण है ना कि क्योंकि पहले के जिनके पास लेंसेज है वो ही इसमें यूज़ कर सके। सबका हो जाता है। वैसे तो आर सीरीज के जो आरएफ लेंसेज है और जो डीएसएलआर के लेंसेज थे पहले ईएफ लेंसेज थे और आरएफ लेंसेज हैं। तो आरएफ लेंसेज और ईएफ लेंसेज में क्या फ़र्क है? क्यों लोगों को आरएफ लेंसेज तो महंगे हैं? यस ऑब्वियसली मतलब भारी महंगा है, बहुत ज़्यादा। क्यों महंगा इतना है और क्यों लोग लेते हैं फिर भी? क्वालिटी, इमेज क्वालिटी में बहुत डिफरेंसेज है आरएफ सीरीज में और ईएफ सीरीज में। ईएफ 7200 हम यूज़ करते हैं विद अडैप्टर और सेम आर एफ 7200 आप यूज़ करोगे तो आपको 15-20% का इमेज क्वालिटी का डिफरेंस आएगा, कलर करेक्शंस का आएगा, क्वालिटी का आएगा, डिटेल्स जो रहती है आर एफ सीरीज। वैसे कितना पैसों में फ़र्क पड़ता है? पैसे में अभी जैसे 7200 नॉर्मल लेंस 2.8L3 वो आता है 160 का, जो ईएफ का ईएफ का है, और आर एफ का आता है 2,18,000। टोटल मतलब 60,000 का डिफरेंस है। तो देखो अभी हम लोग जो कन्वर्टर ले रहे हैं ना वो ओरिजिनल है, मतलब होते हैं कन्वर्टर जो थर्ड पार्टी भी होते हैं, हम लोग ने बहुत पहले लिए थे, मतलब कभी कभी लेना पड़ता है, ऑटो फोकस का इशू होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मत लिया करो ठीक है, भले आपको सस्ता लगे पर वो फोकस ही नहीं होता है। फोकस आप मैनुअल फोकसिंग पे काम नहीं कर सकते, फोटोग्राफी में भी पागल हो जाओगे। ऑटो फोकसिंग लेना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने कन्वर्टर लिया। और ये कन्वर्टर कितने का पड़ता है? 8,000 का कन्वर्टर लिया है हम लोग ने। तो ये सारा इसमें 16,000 का भी कन्वर्टर, तो 16,000 वाला कन्वर्टर और इसमें क्या फ़र्क है? वो रिंग अडैप्टर वाला है, उसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो सेटिंग्स। जैसे हमको कोई सेटिंग्स कस्टमाइज़ करना है, जैसे हमारे हाथ पे शटर हो गया, अपर्चर हो गया, तो हम उसको कस्टमाइज़ करके वहाँ पे रिंग पे कर सकते हैं। मतलब रिंग के ऊपर ही शटर अपर्चर, शटर अपर्चर या जो भी हमको सेट करना है वो कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो अगर आप अडैप्टर वो वाला लेते हो तो आपको यहाँ पे आएगा। अभी मैंने वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं लिया है क्योंकि वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी के लिए 9,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 9,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये कन्वर्टर है, देखो ये मैं यहाँ पे लिया, अभी हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट भी करके देखेंगे। इसमें बैटरी डाल दूँ? बैटरी डाल दूँ। अभी सब चेकिंग वेकिंग करना है, अभी ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो पर चेकिंग करते तो थोड़ा क्या अपने को भी ठीक लगता है कि भाई सब कुछ चेक करके ले लिया है। ये कन्वर्टर तो ये वाला कन्वर्टर आरपी पे भी चलेगा, आर पे भी चलेगा, आरपी भी चलेगा, आर5 पे भी चलेगा, आर6 पे भी चलेगा, आर3 पे भी, सारे मिररलेस कैमरा पे ये कन्वर्टर चलेगा, कन्वर्टर चलता है ठीक है। तो अभी देखो ये वाला लेंस, अभी पहले तो बैटरी डालते हैं। बैटरी सेम छे मार्क 4 वाला बैटरी, मार्क 4 वाला ही बैटरी है ना, ये पावर में थोड़ा डिफरेंस है, पावर ही ज्यादा चलेगा, ये ज्यादा है मिररलेस है करके इसमें पावर ज्यादा दिया है, तो मिररलेस में ज्यादा बैटरी जाता है, बैकअप जाता है। क्यों? क्योंकि पता है मिररलेस इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर रखता है और पूरा इलेक्ट्रॉनिकली डिजाइंड है, इसीलिए इसमें बैटरी ज़्यादा लगता है। बाकी वो जो था वो ऑप्टिकल था, ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक में बैटरी ज़्यादा जाए इसके लिए बैटरी बैकअप ज़्यादा लगता है। तो ये मैंने कन्वर्टर लगाया, अभी इसके ऊपर के लिए जो लेंसेज रहते हैं वो ईएफ लेंसेज हैं, जो डीएसएलआर के लेंसेज थे, तो मैं वो वाला लेंस लेके आई हूँ यहाँ पे ताकि हम इसके ऊपर लगा सकें। तो देखो मेरे पास अभी यहाँ पे एक लेंस है जो 24-105 ईएफ लेंस है ठीक है, F4 वाला। तो ये यहाँ पे मैं लगा के देख रही हूँ, तो ये वाला लेंस यहाँ पे लग गया ताकि जो ईएफ के सारे लेंसेज थे वो मेरे आर पे लग जाएंगे। तो अगर मैं मिररलेस में कन्वर्ट करती हूँ तो लेंसेज तो सारे चल गए, तो उसके लिए बस एक कन्वर्टर लेना होता है। और कैनन का ही जो अगर कोई भी कंपनी हो पर वो कंपनी टू कंपनी कन्वर्टर लेना, दूसरी कंपनी का मत ले लेना, आउट फोकस का प्रॉब्लम बहुत होगा, थोड़ा 4-5,000 बचेगा, बाकी कुछ बहुत तकलीफ बहुत होगा उसके आगे आगे। अच्छा इसमें टाइम डेट वगैरह सब कुछ सेट करना पड़ेगा, तो अभी इसमें बैटरी नहीं डाल, बैटरी चार्ज नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं है, एक बैटरी चार्ज वाला है वो डाल के देखते हैं। एक सो फाइनली ये कैमरा ऑन हो गया, ऑफकोर्स यहाँ पे भी डेट टाइम सेट सब कुछ करना है, बाकी है तो घर पे जाके आराम से करेंगे। बट द थिंग इज़ यहाँ पे चेकिंग हो गया है, यहाँ पे चेकिंग हो गया है, यहाँ पे स्क्रीन गार्ड, यहाँ पे वगैरह स्क्रीन गार्ड वो सब लगाएंगे अभी हम लोग ताकि इसका लाइफ ज़्यादा रहे।
बाकी तो इसमें कैसे काम होता है वगैरह वो तो अब धीरे धीरे रिजल्ट्स देखोगे वो आप समझ ही जाओगे। आगे का पूरा जो वेडिंग सीजन है उसमें हम लोग इस पर काम करने वाले, तो आपको वेडिंग स्टोरी टेलर्स का जो पेज है वहाँ पर हम लोग इसके फोटोज डालते रहेंगे, सो यू कैन चेक दैट आउट। सो यस, चेकिंग हो गया, बस इतना ही रहता है। तो अभी देखो, अब हमारे पास 80D का जो लेंस रहता है वो अभी हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। सो जो APS-C का कैमरा है, तो अभी तक तो मैंने आपको जो दिखाया वो 24-105 EF लेंस था, जो 5D Mark II, 5D Mark IV पे हम लोग यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे अभी हमारे पास है EOS R, और इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे 80D का APS-C सेंसर के लेंसेज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वाइट डॉट और रेड डॉट दोनों हैं, राइट, वाइट डॉट और रेड डॉट दोनों हैं, तो इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे ये भी लग जाएगा। सो अगर आपके पास ये वाले लेंसेज है तो ये भी लग जाएगा, और ये वाले लेंसेज है तो वो भी लग जाएंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे टेस्ट करने के लिए इन्होंने मुझे 85mm का RF लेंस दिया है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करके देख रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो इमेज क्वालिटी है अभी हम लोग चेक करेंगे। इसमें F2 है और ये मैक्रो लेंस है, F2 मैक्रो STM लेंस है। काफ़ी लोग पूछते हैं STM क्या है, STM का मतलब होता है स्टेपिंग मोटर। इसमें स्मूथनेस ज़्यादा होता है जब आप फोकसिंग करते हो तब। अभी जो RF लेंसेज है वो इसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हो। सब पूछते हैं क्वालिटी बेटर क्यों आती है, तो इसका जो डेप्थ है, अब जैसे आप फुल फ्रेम कैमरा में देखोगे उसका डिस्टेंस जो है लेंस का और सेंसर का वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है जो APS-C सेंसर में होता है। क्वालिटी इसमें और भी बेटर होगी क्योंकि इसका डेप्थ कम है, तो उसकी वजह से आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी। ये डायरेक्ट सेंसर और इसमें डिस्टेंस बहुत कम है, अच्छा, एक उसकी वजह से भी आपको डिटेलिंग ज्यादा अच्छी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जो शटर यहाँ पे ही था डायरेक्ट। हाँ, तो सेंसर और माउंट में डिफरेंस बहुत कम हो गया, तो क्वालिटी ज्यादा बेहतर मिलेगी। यस, ये यहाँ पे ऐसे क्यों, शटर नीचे क्यों? अभी जैसे ये मिररलेस कैमरा है, तो कभी हम कैमरा निकालते बैटरी निकालते तो ये शटर है कैमरे का, ये ऑटोमेटिक नीचे होता है। जब भी हम कैमरा ऑफ करेंगे, बैटरी निकालेंगे, मेमोरी कार्ड निकालेंगे या लेंस निकालेंगे, क्योंकि ये सेफ्टी रीजन के लिए ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। मतलब शटर नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है, ऊपर होता है। जो भी सोनी के अभी हम लोग कैमरा वगैरह सब यूज़ करते हैं उसमें वो शटर ऊपर आ जाता है, और वो डायरेक्ट सेंसर आप देख सकते हो, इसमें आपको डायरेक्ट सेंसर नहीं देखने मिलता है, शटर नीचे आता है, तो सेफ्टी रीजंस के लिए ये दिया गया है। अभी हम लोग वाइंड अप करेंगे और थोड़े और भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देखेंगे, और फिर मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगी कि मैंने कैमरा क्यों लिया, क्या रीज़न था कि मैंने ये कैमरा लिया, कैसे हम अब इसको यूज़ करने वाले वेडिंग में, कितने का पड़ा, क्या करेंगे, वो सब हम लोग अभी आगे जाके बात करेंगे। अभी के लिए ये हम लोग को कितने का पड़ा ये कैमरा, और हम लोग ने ये कन्वर्टर लिया, टोटल हम लोग को कितने में पड़ा? 150। टोटल हम लोग को 150,000 रुपीज़ में ये कैमरा और कन्वर्टर दोनों साथ में पड़ा है, ठीक है। और ये हम लोग अभी खरीदेंगे और अभी हम लोग वहाँ यहाँ पे पैसे देंगे, ठीक है, और घर पे जाके इसका पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखो इतने सारे पैसे अभी हम लोग इनको देंगे, और फिर इससे 10 गुना ज़्यादा कैमरा में से कमाएंगे। तो ये बिज़नेस माइंडसेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कैमरा लेते जाते और फिर ऐसा है कि तुम्हारा जो कॉस्ट है वो भी नहीं निकल रहा है। तो मैं ये डाल रही हूँ पर बहुत सोच समझ के डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे 10 गुना गद्दी आ जाएगा वापस, ठीक है भाई साहब लीजिए। अभी देखो हम लोग इनको कैश में पेमेंट कर रहे हैं, पर हम लोग इनके पास से GST बिल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वारंटी वगैरह सब एप्लीकेबल होगा, इसीलिए हम लोग GST बिल भी ले रहे हैं, ठीक है, और 150,000 का पेमेंट भी कर रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे सारा कैनन का R3 भी रखा है। देखो R3 जस्ट अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। कितने का है ये R3 पता है आपको? यहाँ पे R3 लिखा नहीं है, पर जितना मैंने वेबसाइट पे देखा था इसका कुछ 4 लाख रुपये, 4 या 5 लाख रुपये का ओनली बॉडी है। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे आते हो तो आप देख भी सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ ले लेना है, ऑनलाइन हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया वो सब बराबर है, पर यहाँ पे आके देख सकते हो R3 पड़ा है। और R3 में मतलब ये बहुत महंगा है R3, मतलब आप अगर अमीर फोटोग्राफर हो, बहुत सारा पैसा लेते हो क्लाइंट के पास से, ठीक है, 1DX Mark II का क्वालिटी चाहिए, सबसे प्रीमियम क्वालिटी चाहिए, तो आप ये R3 भी ले सकते हो। अभी मेरे पास ऑलरेडी 5D Mark IV है और अच्छा खासा चल रहा है, 1DX Mark II भी है, तो इसकी वजह से R3 का अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर आप एकदम 1DX Mark II का क्वालिटी, तो R3 फिर 1DX, देखो 1DX Mark III है यहाँ पर, देखो 6 लाख रुपए का ओनली बॉडी है यहाँ पे, 1DX Mark III पड़ा है, ठीक है, ये सारे प्रीमियम कैटेगरी है। फिर R6 भी अच्छा है, तो R6 का भी देखो यहाँ पे सारा स्पेसिफिकेशन दिया है। वैसे तो ये सारी चीज़ें आप वेबसाइट पे देख सकते हो। देखो कितने सारे लेंसेज है, ठीक है, मैं सारे खरीद के जाऊँगी अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तब,
कहते हैं ना कि फोटोग्राफर के इतने सारे पैसे कहाँ जाते हैं, हम लोग इतना महंगा क्यों चार्ज करते हैं, क्योंकि इतने सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। और यहाँ पे देखो मैक्रो लेंस, ये लेंस, वो लेंस, सारे ढिकना फलाना सारे लेंसेज हैं, तो ये सारा देख सकते हो। यहाँ पे पैसे भी लिखे हैं, वो भी देख सकते हो। फिर ये देखो आर, देखो ये वाला हम लोग ने ये कैमरा लिया, नहीं आर है, ये आर पी है। ओके, ये आर नहीं, हम लोग ने जो लिया वो आर है, ये आर पी वाला है, ई ओ एस आर पी, ये थोड़ा सस्ता रेंज में है, ठीक है। और फिर इसके बाद एम सिक्स मार्क टू जी सेवन एक्स, देखो ये सारा व्लॉगर के लिए है, इसलिए उन्होंने डिज़ाइनिंग भी वैसा किया। देखो ना, सारा व्लॉगर के लिए ये सारा रखा गया है, एम फिफ्टी मार्क टू रखा गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जब आप आते हो, अंदर बैग्स भी चेकआउट कर सकते हो, लेंसेज चेकआउट कर सकते हो, स्टोर में आ सकते हो, थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको, और कुछ अपने लिए चाहिए तो ख़रीद भी सकते हो। तो यही सारा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने कैबिनेट रखा है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि कैबिनेट का क्या रिक्वायरमेंट रहता है। जब आप कैबिनेट यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे आपके कैमराज आप रख सकते हो। और ये क्या करता है कि जो फंगस नहीं लगता, वो वाइट वाइट फंगस आपकी कैमरा के ऊपर लेंस के अंदर नहीं फंगस लगता है, वो सारा यहाँ पे नहीं लगता है, आपको मॉइस्चर फ्री मिलता है। यहाँ पे टेम्परेचर आपको सेट करना होता है। तो कैबिनेट वगैरह है, यहाँ पे सारी एक्सेसरीज है। अभी ये देखो, ये भी सारा बैग वगैरह यहाँ पे रखा गया है। अभी बड़ा बैग अगर रहेगा, बहुत सारे लेंसेज रहते हैं ना, बड़े वाले लेंसेज जो रहते हैं 70-200 वगैरह रहता है, तो हमारे पास भी ऐसा ही एक बैग है, लोअर प्रो का बैग है, लोअर प्रो का हमारे पास बैग है। बाकी सारी बहुत सारी कंपनियाँ जिनको सिर्फ एक कैमरा और एक लेंस चाहिए, वो वाला लेंस यूज़ कर रहे हैं कैमरा। अभी वो जो है कितना बड़ा है, ये चला ट्रैवल वाला के लिए अच्छा पड़ता है, छोटा सा है ना। कब मैंने एक्चुअली ये वाला है मेरे पास, पर इसके मैंने लेंस बैग बना दिया है। शुभम पता है लेंस बैग यूज़ करता है, तो ऐसे ही लेंस बैग यूज़ करता है। काफ़ी लोग इसको कैमरा की तरह, मतलब एक कैमरा और एक लेंस रख के यूज़ करते हैं। यही सारा है एक्सेसरीज़ का। तो देखो यहाँ पे वो लोग ने भी फ्लैशेस भी रखे हैं। वैसे तो काफ़ी लोग थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं, पर यूजुअली वहाँ पे सिंकिंग का प्रॉब्लम बहुत रहता है, तो उनके पास यहाँ पे तीन वेरिएंट्स तो है, और भी मेरे ख्याल से वेरिएंट्स है, वो आपको चेकआउट करने पड़ेंगे उनके वेबसाइट पर से। तो ये सारा है, देखो ना यहाँ पे लिखा गया है 430 EXRT 600 EXRT। काफ़ी लोग पूछते हैं कौन सा लेंस अपना फ्लैश ले, देखो यहाँ पे लिखा गया है कौन सा फ्लैश है। तो देखो अभी हम लोग ना यहाँ पे जब घूम रहे थे, तो घूमते घूमते यहाँ पे 200D मार्क टू मिला, पर उसके साथ ये इतना छोटू सा फ्लैश मिला। देखो कितना छोटू वाला फ्लैश है, तो मैं इनको भी बुलाती हूँ थोड़ा समझाने के लिए कि भाई क्या है कैसे है। सर बताइए ना कि ये जो है विकास जी, ये इसमें मतलब ये चल जाएगा, मतलब एज अ फोटोग्राफर अच्छा फ्लैश है। ये कॉम्पैक्ट में है, EL100, ये 9000 का फ्लैश है EL100। तो ये कभी वेडिंग पोर्ट्रेट्स निकालने के लिए काम आता है, बैकलाइट के लिए काम आ सकता है, तो हमको दूसरे फ्लैशेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। प्लस कैनन का है, तो कोई भी कैनन कैमरा से कम्फर्टेबल है। हाँ, तो मतलब कैसा रहता है कि जब आप महंगे फ्लैशेस यूज़ करते हो, कैनन के जो मैं यूज़ करती हूँ 600 RT, वो सब में क्या होता है कि उसका गाइड नंबर, मतलब उसका जो इंटेंसिटी रहता है, वो बहुत ही फास्ट रहता है, तो उस हिसाब से वो बहुत अच्छा है। पर अगर आप ये वाला लेते हो, अगर आपका बजट नहीं है, अगर आप न्यू कमर हो, आपके पास फ्लैश ही नहीं है, फ्लैश के बिना बिल्ट इन पे काम कर रहे हो, उससे बेहतर है तो आप इस पे ही काम करो। मतलब बेहतर, मतलब अगर आप बैकलाइट यूज़ करो ना एज अ फोटोग्राफर, पता है बैकलाइट से हम लोग जो बैकलाइट वाले फ़ोटोज़ लेते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। और ये कैनन टू कैनन कंपैटिबल है, तो जो सिंकिंग का प्रॉब्लम होता है ना, वो नहीं आएगा। ओवरऑल मस्त है फ्लैश, वो F4 है, 24-105 लेंस एलिमेंट ज़्यादा होने की वजह से, इसमें लेंस एलिमेंट ज़्यादा है, डिटेलिंग ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपको क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा इसमें। तो हम भी अभी ये ट्राई करेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से बहुत बढ़िया लेंस है, और अभी अभी आया है, तो अभी हम लोग 2870mm F2 का यूज़ कर रहे हैं R3 पे। तो R3 यहीं पे अभी आया है, ठीक है, यहीं पे यही स्टोर में पूरे महाराष्ट्र में आया है, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कैसे R3 फंक्शन करता है। यहाँ पे रख दूँ, इतना एकदम ह्यूज लेंस है। तो यहाँ पे भी चलेगा, तो आप देखो, मैं आपको यहाँ पे क्वालिटी दिखा रही हूँ, इसका फास्ट फोकसिंग देखो सर, और डेप्थ देखो। अगर आप यहाँ पे डेप्थ देख रहे हो, शार्पनेस इनकी आँखों का देखो, इतना शार्प है, सिर्फ ट्यूबलाइट्स लगाई हुई है ऊपर, और यहाँ पे पीछे का पूरा ब्लर देखो F2 का। और एकदम फास्ट फास्ट फोटो आता है, ऐसा लगता है तुरंत फोटो खींच भी लेता है, आवाज़ भी नहीं आता, और इसकी वजह से ये बहुत ही एकदम ही स्मूथ फोटोग्राफ्स आएंगे आपके। ऑफकोर्स जितना घी डालोगे उतना नहीं, जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा। नाइस।
सो यहाँ पे अभी ये वाला लेंस हम लोग ने ट्राई किया जिसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है, और अभी इसके बाद मुझे आप एक बात बताइए, जब हम लोग आर थ्री आर फाइव आर सिक्स की बात करें तो आर थ्री और आर फाइव में क्या फ़र्क पड़ता है? आर थ्री वाइल्ड लाइफ और वेडिंग जो अब जैसे वन डे मार्क थ्री है, हाँ वैसा ही आर थ्री है। हाँ ये मतलब जैसे कि आर फाइव जो है उससे ये डबल क्वालिटी फास्ट हो गए क्योंकि डुअल सेंसर है, सीमा सेंसर डुअल है, शटर स्पीड फास्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देखना चाहोगे तो आर फाइव के कंपैरिजन में ज़्यादा फैसिलिटीज, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज। वेडिंग वाले कितने लोग यूज़ करते हैं? वेडिंग वाले तो अभी स्टार्ट करेंगे यूज़ करना क्योंकि अभी जस्ट आया है, तो अभी बुकिंग्स चालू है, सबको देंगे तो डिमांड जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से फिर ये पैसा बढ़ेगा। पैसा तो अभी ले लेना चाहिए ना, फिर पैसा बढ़ जाएगा। नहीं पैसा उतना ही रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये वाला दूसरा लेंस है जो 85 mm है, ये तो एक्चुअली तो अभी हम लोग जो है 24-105 के बदले अभी 85 24-105 में यूज़ करते हैं, 28-70 के बदले अभी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 85 mm का लेंस, 1.2 मतलब एकदम ही ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। और अभी इसका साथ एक फ़ोटो लेते हैं, एक तो 24-70 से इसका mm ज़्यादा भी है, मतलब 70 से 85 mm हो गया, तो हायर द फोकल लेंथ हायर द डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब अगर जितना फोकल लेंथ बढ़ जाएगा उतना आपका डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब जो पीछे जो ब्लर चाहिए वो बढ़ जाएगा। ठीक है, शैलो और डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। और इसमें 1.2 है, उसमें f2 था, इसमें 1.2 मतलब f1.2 है इतना। तो अभी देखते हैं कि क्या फ़ोटो आ रहा है, आप देख सकते हो कि क्वालिटी में कैसा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीछे थोड़ा भी कुछ और भी दिख रहा था, अभी इसमें तो सब कुछ ब्लर हो गया, ऐसा लगता है जैसे कुछ पीछे। आप और आगे आइए ना मेरे पास, अभी तो जैसे लगता है कि पीछे कुछ है ही नहीं, सब कुछ जैसे ब्लर हो गया। देखो ये एकदम शार्प आंखें, देखो कितनी शार्प है। मैं भी दिख रही हूँ उनकी आंखों के अंदर, मैं भी उनकी आंखों के अंदर दिख रही हूँ, और देखो कि पीछे एकदम ब्लर हो गया जैसे कुछ है ही नहीं। सो जब आपको ऐसी कोई फोटोग्राफी करनी हो जहाँ पे इतना ब्लर चाहिए, आप ऐसे 85 mm यूज़ कर सकते हो, 70-200 यूज़ कर सकते हो, उसमें भी आपको 2.8 मिलेगा। पर ब्लॉक लेंसेज का यही रहता है कि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलेगा, मतलब जैसे कि इसमें f2 मिला पर इसमें f1.2 मिलता है, तो ये सारी फीचर्स ज़्यादा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना गाइड किया, आपने इतना हेल्प किया विकास जी, थैंक यू सो मच। अभी आपका ये R3 ठीक है यहाँ पे हम लोग किया, इट वाज अ गुड टाइम आउट हियर, अच्छा खासा ख़रीद भी लिया हम लोग ने कैमरा। और अभी मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगी कि कौन सा कैमरा आपको कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, मैंने ये कैसे परचेस किया, कंपैरिजन कैसे करना होता है, आपका पर्पस कैसे समझना होता है, वो सब। सो लेट हम लोग आ गए हैं स्टूडियो में, और यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली ये बताने वाली हूँ कि क्यों हम लोग ने ये कैमरा लिया। देखिए, जब भी आप कैमरा परचेस करने जाते हो, देखो मैं और मेरे फादर ये बिज़नेस में है, मेरा छोटा भाई भी ये बिज़नेस में है, हम लोग सब लोग ये बिज़नेस में बहुत सालों से हैं, लगभग 25 साल हो गए कि हम लोग ये बिज़नेस में है। और ये कारण है कि हम लोग ने बहुत सारे कैमरा परचेस किए हैं, यूज़ किए हैं, और एक लिया है, उसका सक्सेसर लिया है, उसका प्रीसीडर लिया है। ये सारे कारणों की वजह से मैं आज आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि क्यों और कैसे और कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट होगा। देखिए, समझिए, सबसे पहला चीज़ होता है पर्पस। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कोई कैमरा क्यों ले रहे हो, क्या कारण है। जस्ट बिकॉज एक्स वाई जेड पर्सन ने वो कैमरा ले लिया और आपने ले लिया, ये तो बेवकूफ़ी होगी ना, वो तो मैं वो बकरी वाला एग्जांपल हो गया, उसने लिया तो मैं भी ले लूँ, ऐसा नहीं होता। जब मैंने ये कैमरा सिलेक्ट किया था तो मेरा एक पर्पस था कि यार देखो, वेडिंग में मेरे पास ऑलरेडी 5D Mark IV है जो कैनन का अच्छा कैमरा है, अच्छी रेंज का है, प्रीमियम क्वालिटी देता है, काफ़ी सारे लेंसेज हैं, तो यार अच्छा खासा किट है। अभी जो है मेरे को और एक कैमरा चाहिए क्योंकि मेरे को दूसरा एंगल जो कैमरा होता है, जो दूसरा फोटोग्राफर होता है वेडिंग में, उसके लिए भी एक कैमरा लेना चाहिए।
तो इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी उस तब मेरे पास 5D Mark III था, मेरे पास 80D था, ये सारे कैमरास थे, पर आई थॉट कि एक प्रीमियम क्वालिटी का अगर मेरे पास कैमरा आ जाए तो ओवरऑल क्लाइंट को फुल फ्रेम की क्वालिटी वाला, अच्छे क्वालिटी वाला दोनों एंगल मिलेगा। ये तो सही है ना, मतलब वेडिंग में 2 या 3 जो भी एंगल आप लगा रहे हो वहाँ पे तीनों के कैमरा बहुत ही अच्छे लेवल के हो जाएंगे। सो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी आर सीरीज़ जो मिररलेस की सीरीज़ है वो बेहतर आ गई है, सो लेट्स बाय दैट। अभी मैंने कैनन ही क्यों प्रेफर किया, मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांड को प्रमोट करने नहीं बैठी हूँ कि निकॉन, कैनन, सोनी, फूजी फिल्म, आई नो हर कंपनी अच्छा ही देने वाली है, बट मैं बहुत सालों से कैनन यूज़र हूँ और इसके वजह से मेरे पास उसके सारे लेंस है, फ्लैश है, मेरे पास बहुत सारे उसकी एक्सेसरीज़ है। अभी वापस कोई दूसरी कंपनी में जाना मतलब और एक बार दूसरा खर्चा होगा, जो मेरे लेंसेज है वो दूसरा फोटोग्राफर भी यूज़ कर सकता है। ऑलरेडी मेरे पास कैनन के दूसरे 2 कैमरा है, उसकी भी बहुत सारी एक्सेसरीज, लेंसेज वगैरह सब कुछ मुझे काम में आ जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा ठीक है भाई, कैनन मेरे को जम भी रहा है, मेरे को हाथ भी बैठा हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी एक्सेसरीज है, तो ठीक है मैं और एक कैमरा लूँगी दूसरे फोटोग्राफर के लिए, और वो जो दूसरा फोटोग्राफर होगा वो जो है यही सारी एक्सेसरीज और वो सब यूज़ कर सकता है, मुझे डबल खर्चा नहीं होगा, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। एनी विच वेज ये लाइन ना बड़ी एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सो बेहतर है कि हम सोच समझ के कोई भी चीज़ को खरीदें। सेकेंड पॉइंट आता है कि यार देखो आर ही क्यों लिया, R5 भी था, R6 भी था, R3 भी था, है ना, RP भी था, बहुत सारे रेंज में थे, M50 Mark II भी था, कितने सारे कैमरा कैनन ने खुद ने ही दिए थे जो मिररलेस में थे, क्यों मैंने यही वाला कैमरा लिया, क्यों मैंने ये जो 1.5 लाख का कन्वर्टर के साथ वाला कैमरा लिया। देखिए एक इंसान का बजट भी तो होता है, अगर मैं आपको बोलूँ सबसे बेस्ट कैमरा कौन सा है, सबसे महंगा वाला ले लो, सबसे बेस्ट ही होगा। कोई भी कंपनी जब बहुत सारा पैसा आपसे लेती है तो थोड़ी ना आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ले रही है, स्पेशली जो बड़ी कंपनियाँ होगी वो सोच समझ के आपके पास पैसा ले रही है और सोच समझ के आपको उतना दे रही है। हाँ तो आप सोचो कि ठीक है मेरे को 5 लाख है मेरा बजट, R3 ले लो, अरे यार मेरा तो 50,000 का बजट है, M50 Mark II ले लो। ऐसे ही निकॉन में भी होगा और सोनी में भी होगा और फुजी फिल्म में भी होगा, हर कैमरा की कंपनी के पास ये सारे रेंजेस होते ही है। अभी मुझे पता था कि मेरा पर्पस है ट्रेडिशनल फोटोग्राफी या सेकेंड एंगल का कैंडिड कैमरा के लिए, मुझे एक अच्छा क्वालिटी का फुल फ्रेम कैमरा चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। मुझे पता है कि मैं इसका क्या चार्ज करती हूँ और इसके बेसिस पे मेरा बजट कुछ 1-1.5 लाख के आसपास था कि ठीक है यार इतना 1-1.5 लाख का कैमरा है ना आराम से 2-4 साल में मेरा उसका जो पैसा है, एक्चुअली 2-4 साल भी ज़्यादा बोल रही हूँ, 1-2 साल के अंदर उसका पैसा निकल जाएगा। ये भी तो समझना पड़ता है ना, आप एक कैमरा 5 से 6 साल यूज़ करने वाले हो तो बेहतर है कि पहले साल या 2 साल के अंदर एटलीस्ट उसका कैमरा का भाड़ा निकल जाए, आगे के दिनों में आप पैसे उसमें से कमा सकते हो। ऐसा हुआ कि आप कैमरा के कैमरा लेते गए और आपके खर्चे जो है इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आपको कुछ कमाने को ही नहीं मिल रहा है, तो ये भी तो एक स्टूपिडिटी हुई। आपको ये समझना होगा कि यार ठीक है मेरा बजट मतलब सपोज कि 4 लाख का बजट है फॉर एग्जांपल, मतलब मैं उतने लेवल के बड़े बड़े काम ले रही हूँ, जैसे Mark IV हमेशा एक्सपेंसिव कैमरा साइड में आया है, मैं उतना चार्ज करती हूँ तो कि मुझे वो कैमरा परवड़ रहा है, मेरा 1 साल में 2 साल में उसका खर्चा निकल गया था। वैसे ही मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे एक आर EOS R लिया था तो EOS R में भी मेरा वो 1-1.5 लाख का जो पैसा है वो 1-2 साल में निकल जाए, वैसे ही मैंने ये कैमरा खरीदा हुआ है। तो दूसरा होता है बजट, ये 2 मेन चीज़ें हैं, पर्पस और बजट, और उसके बाद आता है कि कौन सी कंपनी में जाना है। इतनी सारी कंपनियां हैं, आप कोई भी कंपनियां ले लो, ऐसा नहीं है कि आप कैनन में ही जाओ, निकॉन में ही जाओ, फूजी फिल्म में ही जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको यूज़र फ्रेंडली कौन सा है, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा पड़ रहा है, मतलब जब भी आप कैमरा यूज़ करते हो तो उसके जो मेनू सेटिंग्स है, जब आप उसको यूज़ करते हो जो उसकी जो ईज़ है आपको किस में लग रहा है, आपके पास ऑलरेडी कौन सा कैमरा है और उसके लेंसेज किस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद एक कैमरा लिया जाता है। आर यू गेटिंग? सो ये एक बात था, और साथ ही साथ मुझे ये भी आपको बताना था कि जब भी आप कैमरा लेने जाते हो तब आप क्या करते हो, डायरेक्ट क्या पहुंच जाते हो, अच्छा ठीक है ये वाला कैमरा ले दो, ये वाला कैमरा ले लो, ऐसे नहीं होता। आप पहले से बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हो। ये सोच समझ के डिसीजन लेना क्या होता है, पहला आपको काफ़ी अच्छा टेक्निकल नॉलेज होता है, जैसे मुझे एक अच्छा खासा टेक्निकल नॉलेज है,
है, मतलब इतने टाइम से मैं आपको सिखा रही हूँ तो मेरे को खुद को टेक्निकल नॉलेज अच्छा खासा है, और जिसके वजह से मैं उसकी स्पेसिफिकेशन रीड करके समझ जाती हूँ कि ठीक है इसमें ये सारे फीचर्स नए आए हैं। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आपको फोटोग्राफी का कोर्स करना चाहिए, उसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, जहाँ पे आपको सारा कुछ कैमरा के अंदर बाहर क्रिएटिविटी सब कुछ समझाने में आया है। और दूसरा बात होता है कि यार दूसरों को पूछ लो, मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे को पूछना कुछ गलत है। जब मैंने भी आर लिया था तो जो मेरे फोटोग्राफर फ्रेंड्स हैं मैंने उनको कॉल किया था जो आर यूज़ कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि अच्छा तो चल रहा है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं। हाँ थियोरेटिकली मैंने रीड कर लिया, पर जो इंसान उसको यूज़ करता है उसको देख तो लो कि भाई क्या कर रहा है। तो उनको पूछा, वो बराबर तो है, अच्छा खासा चल रहा है ना, क्या रिव्यू है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कुछ अड़ता है कुछ नड़ता है, सब कुछ पूछने के बाद खुद से थोड़ा बहुत यूज़ करने के बाद मैंने डिसीजन लिया डन, तो फिर ये वाला कैमरा ले लेते हैं। वहाँ पर जाके स्टोर में जाके तो नक्की रहता कि ये वाला कैमरा दे दो। ये ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं। आप फोटोग्राफर्स के रिव्यू जो अनबॉक्सिंग करते हैं उसके वीडियोस देखे, देखो मैं अनबॉक्सिंग काफ़ी कम करती हूँ, एक्चुअली करती नहीं हूँ ठीक है, पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो है वो अनबॉक्सिंग करते हैं, तो आप अनबॉक्सिंग के वीडियोस देख लो। साथ ही साथ आप ये देख लो कि दूसरे सारे फोटोग्राफर्स जब उसको यूज़ करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या है। अपने जो फोटोग्राफर भाई बहन है जो ऑलरेडी वो कैमरा यूज़ कर ले, उनको पूछ लो कि भाई तेरे को क्या लग रहा है, कैसा कैमरा है ज़रा बता दो, एक बार मैं यूज़ करूँ क्या, रेंट पे कैमरा मंगवा के देख लो क्या जम रहा है क्या। ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करने के बाद आपके जेब में से पैसा निकाल के दो, क्योंकि एक बार जो कैमरा आ गया वो लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगा। अफसोस नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए शिट यार वो ले लिया होता तो, 25,000 एक्स्ट्रा डाल के ले लिया होता तो, अरे मेरा बजट 80 का था 1,00,000 का मैं करके ले लेता तो। काफ़ी लोग सिर्फ पैसा बचाने की बात करते हैं, ठीक है ना ये सस्ते में मिल रहा है, ठीक है ना ये सस्ते में मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर सस्ता है तो उसके फीचर्स कुछ कम हो, हाँ हो सकता है कि वो फीचर्स के आपको रिक्वायरमेंट ही ना हो, पर क्या पता उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो ये सारा डिसीजन कैमरा लेने के बाद अफसोस ना हो, इसके पहले ये सारा स्टडी करना होता है, खुद से ट्रायल एरर सब कुछ करना होता है और फिर एक कैमरा लिया जाता है। आई होप ये मेरी पूरी परचेसिंग जर्नी और जो नॉलेज मैं आपको शेयर आज कर रही हूँ वो आपको काम में आए। मैं खुद कंपैरिजन भी करती हूँ कि भाई ये कैमरा और ये कैमरा के बीच में क्या फ़र्क है, वो कैमरा और वो कैमरा के बीच में क्या फ़र्क है। काफ़ी बार जो सेल्समैन होते हैं जो वहाँ पे कैनन के ब्रांड में जो जैसे लोग खड़े थे वैसे ही जहाँ जहाँ पे भी ये लोग खड़े होते हैं उनको पूछना होता है कि भाई आपको क्या लग रहा है, आप तो इतना सारा कैमरा बेचते हो, आप कौन सा कैमरा सबसे ज़्यादा बिका जाता है। इससे भी आइडिया आता है कि मार्केट में कितना वो कैमरा बिक रहा है। आप समझ रहे हो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने होते हैं और एक कैमरा खरीदना होता है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे। मैंने अपनी पूरी परचेसिंग जर्नी जो है आपके सामने रख दी है। हम ऐसे ही कैमराज लेते हैं और इतना ही दिमाग लगाते हैं, इतने सालों का जो हमारा अनुभव है उसको ऐसे ही यूटिलाइज़ करते हैं। अगर आपके पास भी कोई नया टेक्निक है या सोच है जिसके बेसिस पे आप कैमरा लेते हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखें, और दूसरे फोटोग्राफर्स जो कॉमेंट सेक्शन रीड करेंगे उनको हेल्प मिल जाएगी। Thank you so much everyone. Please like, share and subscribe. See you soon.